इंदौर में खेलो एमपी यूथ गेम्स का रंगारंग आगाज हुआ है। इसी के साथ मेजबान इंदौर ने राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 में जोरदार शुरुआत करते हुए बास्केटबॉल स्पर्धा में अपना दबदबा बनाया। देखिए एक खास खबर। मध्य प्रदेश खेल विभाग द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के ग्रामीण और शहरी खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग की राज्य स्तरीय स्पर्धा खेली जा रही है। स्पर्धा का औपचारिक शुभारंभ मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मेंदोला, विधायक महेंद्र हाइडिया, महापौर पुष्य मित्र भार्गव और कलेक्टर इलैया राजा टी की मौजूदगी में हुआ। शुभारंभ के साथ ही कार्यक्रम में एशियन गेम्स की घुड़सवारी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली इंदौर की खिलाड़ी सुदीप्ति हजेला को भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम में 8 संभाग से आई टीमों के खिलाड़ियों ने मार्च फास्ट किया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इनका भी एक बार जोरदार तालियों से सामने एक विशिष्ट अतिथि मौजूद है। इनके और गौरव की बात है, विशिष्ट अतिथि किया साथ ही बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही आप उसका 2022 में मिला, तो एक बार जोरदार तालियों से आचार्य मध्य प्रदेश के बढ़ते सम्मानी अविनाश आनंद बास्केटबॉल एसोसिएशन एक बार जोरदार बच्चे खेलने के लिए आए। यहाँ हमने अच्छे हमारे कलेक्टर साहब ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है आप सबके लिए, और आपके यहाँ पे अच्छी व्यवस्था के साथ इंदौर शहर भी देश का सबसे स्वच्छ शहरों में, और महापौर जी भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय महेंद्र हाइडिया जी इसी क्षेत्र के जिस इलाके में कार्यक्रम हो रहा है उसके यहाँ के माननीय विधायक हैं, तो ये सब हम सब मिलकर आपका स्वागत यहाँ पर करते हैं और आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे आप सबको आशीर्वाद करते हुए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की परिकल्पना के आधार पर खेलो मध्य प्रदेश का शुभारंभ आज पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों में हुआ है। इंदौर में बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग की 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पूरे मध्य प्रदेश से पधारे सभी खिलाड़ियों का मैं इंदौर के प्रथम नागरिक होने के नाते यहाँ उनका स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ कि सब अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म करें। हमने बजट में उसका प्रावधान किया है और चुनाव के बाद इंदौर में वार्ड स्तर की खेल प्रतिभाओं को मौका मिले, इसलिए खेलो इंदौर की कल्पना करके हम भी प्रयास करेंगे। ये मध्य प्रदेश शासन का पहला इनिशिएटिव है, फर्स्ट ईयर है कि खेलो इंडिया के दर्ज पे ना खेलो एमपी का। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे है ना प्रतिभागी है, मतलब है ना जिस ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, शहरी क्षेत्र से आते हैं, उनका परफॉर्मेंस करने के लिए एक मंच है ना, मतलब है ना हमको उठ करके देना था, मतलब ये गेम डेफिनेटली वो देगा। एंड यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया था, उसमें डिविजनल लेवल भी इंदौर होस्ट किया है। आज मतलब है ना आज से ना ये शुरू हो रही है स्टेट लेवल का, 3 गेम्स है जैसा भी माननीय महापौर महोदय ने बताया, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस एंड बास्केटबॉल का इंदौर है ना मेजबानी करेगा। एंड हम लोग ने उतना ही इंपॉर्टेंस है ना हम लोग खेलो इंडिया को ना कर रहे थे ना व्यवस्था में, उतना ही इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं लोकल है ना व्यवस्था में। लोकल खेल एसोसिएशन ने स्पॉन्सरशिप ना दिया है, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब है ना गेम्स हो रही थी, लोकल खेल एसोसिएशन ने स्पॉन्सरशिप करके उनको है ना प्राइज ना करने का ना काम भी किया है। कुछ है ना मतलब रिफ्रेशमेंट्स की व्यवस्था भी स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी हम लोग है ना आर्थिक सपोर्ट है ना इसमें भी कर रहे हैं। आई थिंक बेहतर से बेहतर है ना व्यवस्थाएँ कैसे हमारी खिलाड़ियों के लिए कर सकते हैं उसमें हम ध्यान दें। टोटल हर संभाग का है ना मतलब है ना टीम्स आई हैं अलग अलग है ना, तीनों गेम के लिए अलग अलग टीम्स आई है। इसके बाद स्पर्धा का दौर शुरू हुआ। वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में इंदौर की लड़कियों ने शहर का गौरव बढ़ाया। स्पर्धा के 40 किलोग्राम वजन वर्ग में इंदौर की पूर्वी लश्करी और 45 किलोग्राम वजन वर्ग में दिव्यांशी सैलार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल स्पर्धा खेली गई,
पहले मैच में बालक वर्ग में देवास और भोपाल टीम की टक्कर हुई। देवास ने 54 अंक जबकि भोपाल की टीम ने 51 अंक बनाए। यह मुकाबला कांटे का हुआ और दोनों ही टीमों के बीच हर अंक के लिए संघर्ष देखने को मिला। हर क्वार्टर में स्कोर बेहद नजदीक रहा और अंत में देवास ने मात्र 3 अंकों से जीत दर्ज की। बालिका वर्ग में इंदौर की टक्कर ग्वालियर टीम से हुई। मैच में मेजबान इंदौर ने यह मुकाबला एक तरफा अंदाज में जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।